अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी फैमिली चल रही थी, मैं उनके साथ क्या करता था, कैसे रहता था वो चलता था। जब शादी हुई तो वाइफ के साथ मेरा क्या बिहेवियर है, मैं कैसे रहता हूँ, फिर फैमिली के साथ मैं कैसे रहता हूँ, और मतलब मैं फैमिली को इतना टाइम देता हूँ, वाइफ को इतना टाइम देता हूँ, वो चला। अब मेरी लाइफ में चल रहा है मेरा बेबी जो अभी बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, और ये इस वक्त 5 महीने का है। अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। क्या हो गया? बैठा हूँ अभी सिर्फ। तूने पाँव इधर क्यों लगाया हुआ था? आ गया देखिए पापी क्या हरकतें कर रहे हैं, पाँव खुद मार के पाँव इधर क्यों रखा? मैं थोड़ी पाँव चेयर आगे गंदे मैंने उंगली चेयर आगे करने वहाँ पे हो जाता है ना, जिस पाँव रखेगा तो वही। मेरी इसमें क्या गलती? सुबह सुबह खाने में क्या, खाने में क्या रहे, खाना कहाँ है? अबे एटीट्यूड बॉय, पूरी देखनी निकाल लेना भाई, थोड़ा मुझे भी दो। ओला 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 खाने में है भाई अरवी गोश्त, आलू फिर आज समझ नहीं आया मुझे, अरवी आलू समझ नहीं आ रहा। उस दिन अरवी बना दी थी, शायद लौकी थी उस टाइम पे, लौकी लौकी गोश्त था, मैं उसको आलू बोला था, अरबी आलू है तो उसको मैंने अरवी बोल दिया। आजा 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 आ गया भाई सब, आजा आजा करके खाना खाते फटाफट से और फिर मिलते हैं आपको खाना खा कर। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं भाई, ऐलान हो चुका है, तो फटाफट से करते हैं ब्रश, और 2 मिनट के अंदर ब्रश, 1 मिनट के अंदर पानी, इन लास्ट वाटर। सारन बज गया, पीऊँ ना पीऊँ? चलो नहीं पीते यार, अभी सोमे का दिन नबी तुम इंशा रमजान, अब मिलते हैं आपको सुबह उठकर। पापा की बर्थडे के बलून है ये वहाँ लगे हुए थे, ये पुसी नहीं होगी दे रहे तो इनको फाड़ना पड़ेगा ना। उठ गए भाई, उठ गए भाई, उठ गए सलाम, सलाम। ये कौन? वाह वाह, रुको रुको सुबह सुबह इसको दिखाओ। आसान हो रही है, आसान अजान के बाद बात करते हैं, हो चुकी है अजान ख़त्म। तो भाई बात स्टार्ट करते हैं, आज आपका भाई डिस्कशन मोड के अंदर आ चुका है। वैसे तो मेरा दिल नहीं था कि यार ये मैं बात अपने YouTube पे करूं, क्योंकि मुझे हर तरह की ऑडियंस देखती है, मतलब एजड लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और कुछ ज़्यादा ही बच्चे जिनको तो बस सिर्फ फन से मतलब है, बाकी उनको कुछ वर्ड्स भी समझ नहीं आते होंगे मेरे जो मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट जो बड़े देखते हैं उनकी नज़र में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उस सबको क्लियर करता चलूँ। तो टॉपिक ये है कि बासिल, बासिल पूरे सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल हो रहा है, इतना ट्रोल हो रहा है, इतना ट्रोल हो रहा है, बस हो क्यों रहा है? क्योंकि उसका जो भाव है ना, वो टाइटल उसके लगा रहे हैं कि यार बासिल ने फर्स्ट टाइम ये किया, बासिल ने फर्स्ट टाइम ये किया, बासिल ने ये किया। ठीक है, अब मैं हूँ डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉगर, पहली बात तो है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी फैमिली चल रही थी, मैं उनके साथ क्या करता था, कैसे रहता था वो चलता था। जब शादी हुई तो वाइफ के साथ मेरा क्या बिहेवियर है, मैं कैसे रहता हूँ, फिर फैमिली के साथ मैं कैसे रहता हूँ, और मतलब मैं फैमिली को इतना टाइम देता हूँ, वाइफ को इतना टाइम देता हूँ, वो चला। अब मेरी लाइफ में चल रहा है मेरा बेबी जो अभी बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, और ये इस वक्त 5 महीने का है। तो सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आपको पता है ना, जब इंसान बहुत ही अच्छा हो या अच्छे काम कर रहा हो और वो लाइक किसी में इंटरफेयर ना करता हो, तो उसको नीचे से खींचने के लिए हज़ारों लोग खड़े होते हैं, हज़ारों। तो आज सेम पाकिस्तान के अंदर लोग इतना हेट कर रहे हैं, इतना हेट कर रहे हैं, और सिर्फ वजह यही है कि भाई मैं अपने बच्चे के ऊपर टाइटल लगा रहा हूँ, और वीडियो में तो मतलब सारा डेली लाइफ ही होता है पूरा, बट टाइटल जो है वो बच्चे का लग रहा है। सही है, वो मैटर नहीं करता, अंदर कंटेंट तो मतलब दूसरा दूसरा है ना, ठीक है ना, लेकिन उनको फ़र्क ये पड़ता है कि भाई टाइटल लगा रहा है, सो इसको हेट करना शुरू करो। हेट देखो अच्छी बात है, करो, देखो ट्रोल भी करना जायज़ है, हेट करना भी जायज़ है, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें सब चलता है। एक चीज़ पता है कहाँ गलत हो रही है, जहाँ ये चीज़ लैग की है, जहाँ पर ये मुझे आवाज़ उठानी पड़ी, क्योंकि मैं एक इतना बुज़दिल बाप नहीं बन सकता कि मैं अपने बच्चे के ऊपर गालियां बर्दाश्त करूं, 5 महीने के बच्चे के ऊपर गालियां बर्दाश्त करूं। ठीक है, आप जो मुझे फॉलो करते हैं ना शुरू से, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी नेचर कैसी है और मेरी व्लॉग्स कैसे होते हैं, और मेरी व्लॉग में दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है, वो चाहे माँ बाप की रिस्पेक्ट हो, वो चाहे फैमिली में कैसे रहना है वो रिस्पेक्ट हो, रिश्तेदारों में कैसे रहना है वो रिस्पेक्ट हो। सही, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारा इस्लाम बताता है। ठीक है, हम यही चीज़ सारी गलत करते हैं, और मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर यही चीज़ बिल्कुल परफेक्टली करने की कोशिश करता हूँ,
ताकि जो मुझे देख रहा है छोटा बच्चा वो अपने फैमिली में खुश रहे, अच्छे से रहे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करे। यहाँ तो आजकल माँ बाप के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं वो तक कराने की कोशिश करता हूँ कि ताकि लोग यही सीख लें, इतनी सी चीज़ सीख लें। तो मैं कोशिश यही करता हूँ। बट भासिल की फेसबुक के ऊपर इतनी ट्रोलिंग चल रही है, इस छोटे से बच्चे को लोग गालियाँ दे रहे हैं, भासिल बी, भासिल सी, भासिल ये, भासिल ने ये सीखा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो गालियाँ दे रहे हैं लोग, ये लोग अपनी फैमिली से नहीं है, इनकी कोई फैमिली नहीं है। अगर ये गालियाँ दे रहे हैं तो इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैंने कभी इस तरह के ना किसी से पंगे लिए, ना मैंने कभी किसी को इस तरह गालियाँ दी हैं, ना मैंने कभी किसी को हेट किया है। बट आई डोंट नो क्यों इतना एक छोटे से बच्चे को हेट मिल रहा है। आई डोंट नो। इसका मैं कमेंट्स पढ़ता था ना नीचे, तो लोग जो है ना 90% ही मतलब कि वो भी हेट है, ठीक है, वो भी जलते हैं। तो मुझे जलने से मतलब नहीं है, देखो जलो जलो राइट है, आप लोग हेट करो, फन एलिमेंट के साथ हेट करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप किसी को अगर गाली देते हो, किसी के घर वालों को गाली देते हो, दैट्स नॉट गुड। इससे आपकी फैमिली का पता लगता है। भाई मैं अपने व्लॉग में ना बहुत कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको भी यही सिखाऊंगा कि भाई अगर आप अगर आज बच्चे को गाली दे रहे हो ना, तो कल को आपका बच्चा भी होना है, आपको भी गाली पढ़नी है, आपके बच्चे को भी गाली पढ़नी है। तो अगर आप लोग कोई गलती करते हो, आप लोग किसी को बुरा भला बोलते हो, तनकीद करते हो, किसी पे फजूल की उंगली उठाते हो, क्योंकि देखो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बच्चा, ठीक है, मेरा चैनल मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका चैनल आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी चीज़ें डालो, अपने आप को रोज करो, अपनी मीम बनाओ ना, आप किसी की क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरे चैनल पे किसी और की मीम नहीं आ रही। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये जो है पब्लिक अकाउंट है, यस पब्लिक अकाउंट है, बट मैं इस पब्लिक अकाउंट पे यह भी कहता हूँ कि भाई जिसको नहीं पसंद नहीं देखे मेरा व्लॉग, लेकिन जिसको पसंद है वो देखे। तो जिस तरह मैं अपनी फैमिली को व्लॉग में ला रहा हूँ, जिस तरह मैं अपनी फैमिली को कंटेंट में ला रहा हूँ, तो उस तरह आपके चैनल पे आपके लोग होने चाहिए ना। भले आप फैमिली लाते हो, अपने दोस्त लेकर आओ, बट आप हमें ना लेकर आओ, ठीक है। अगर आप हमें लेकर आते हो तो एक अच्छे में लेकर आओ, क्योंकि हमारे व्लॉग के अंदर अच्छी चीज़ होती है, ना कि बुरी चीज़। अगर मैं अपने व्लॉग में गालियाँ देता होता तो मेरा राइट था कि तुम लोग मुझे गालियाँ दो, मेरे बच्चे को गालियाँ दो, ठीक है। बट इतनी अच्छी चीज़ें करने का फिर मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है। मतलब एक अच्छा फन फैमिली एंटरटेनमेंट, एक थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाने की बच्चों को कि किस तरह प्यार करना है अपनी फैमिली से, किस तरह रहना है। बट मैं तो इस चीज़ पर अफसुर्दा हूँ कि माशाल्लाह रमज़ानों में लोग दबा के गालियाँ देते हैं। माशाल्लाह रमज़ानों में गानों वाले, नाचने वाले कंटेंट डल रहे होते हैं, कमाल की बात है। तो ये चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना मैं अच्छे काम करूँ, नेक काम करूँ, ताकि मुझे आखिरत में उसका सिला मिले। सही है, अगर मुझे दुनिया में अगर फन चाहिए हो, बदतमीजी करनी हो, लोगों को जेलिस फील करनी हो, लोगों से बुगज़ हसद रखना हो, तो फिर अभी तो मैं खुश हूँ, बट बाद में मेरे साथ जो होना है वो मेरे साथ ही होना है, वो किसी और के साथ नहीं होना। सो मैं एक अच्छे वे में आप लोग को बताता चलता हूँ कि जितना आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप लोग एक फ़न एलिमेंट में मुझे ट्रोल करते या हेट करते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि इग्नोर पावर ऐसी पावर है कि आप उससे हर एक चीज़ को सामने से हटा सकते हो, मिटा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ एक इग्नोर करके, और मैं यही करता हूँ। बट यहाँ मैंने कहाँ मार खाई है कि मैं ये नहीं चाहता कि यार जब मेरा बच्चा बड़ा हो ना वो ये बोले कि पापा मैं 5 महीने का था और मुझे लोग सोशल मीडिया पर गालियाँ दे रहे हैं। यार मतलब पाकिस्तान में ये सब हो रहा है यार बड़े बन जाओ, मुझे पता है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा हो गया हूँ, मेरा अपना MS का प्रोडक्ट चल रहा है, मेरी और भी 100 चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह वो आगे आप लोगों को पता लगेंगी। मैं एक साइड से बिजनेसमैन भी हूँ, जो कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर नहीं करता बात, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कि स्पेशल हैं। आप यकीन करो मेरे से स्पेशल लोग इतने मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, देख के मुझे खुश होते हैं, वो बोलते हैं आपके व्लॉग में बहुत पसंद आते हैं, ये होता है वो होता है। पाकिस्तान में ना ये डेली व्लॉग जो है ना न्यू कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरी दुनिया कर चुकी है, सही है, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको हेट कर रहे हैं अभी भी। और मैं ये कहूँगा कि यार मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ तो आप लोग ना करो, भाई आप लोग भी करो। मेरे डेली व्लॉग्स की वजह से यूट्यूब का ग्राफ यहाँ से यहाँ गया था 2021-22 में, उससे पहले यूट्यूब डेड पड़ा हुआ था, और मेरे व्लॉग के बाद आज
फैमिलीज भी व्लॉग करती है, लेडीज भी व्लॉग्स करती है, जो कि अपना एक महीने का गुजारा कर लेते हैं व्लॉग करके। एक उनको चीज़ पता लग गई है कि यार सिर्फ कैमराज से नहीं आप व्लॉगिंग कर सकते, आप मोबाइल से भी व्लॉग कर सकते हो, आप मोबाइल से भी यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो। आप ये मत सोचो कि अगर आपका यूट्यूब पे एजुकेशनल चैनल है, अगर आपका एक मोटिवेशनल चैनल है तो आपको यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा ना, आपको यूट्यूब हर हाल में एक्सेप्ट करेगा। बस आप एक अच्छा पीस कॉन्टेंट बनाएं सो आप लगे रहें। ये देखो प्यारा मुन्ना आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था भाई। अब मेरी डेली व्लॉग्स के अंदर जब ये शहजादे पैदा हुए हैं तो क्यों ना इनको लूँगा मैं भाई। इससे पहले जब अपने साल पूरे साल मैंने अपने आप को लिया, इनको लिया, अब इनको क्यों ना लूँ, इनको मैं क्या करूँ, इनके साथ क्या करूँ, इनको छुपा दूँ, क्या करूँ इनको। नहीं बस हम एक ही बात बोल सकते हैं और तो हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं कि अल्लाह ताला हमें हासिदों की हसद से बचाए, आमीन। देखा ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, समझ रहे हो ना आप, तो मैं इतना कामली जब ये बता रहा हूँ कि बस क्या करें कुछ। इसलिए गुस्सा होने की बात नहीं यार, हम लोगों को ट्रोल करो तो वो मसला नहीं, इतना सा बच्चा है आप उसको गालियां भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना सा यार आप लोगों के खुद के बच्चे नहीं है या आपके बच्चे होंगे या पता नहीं है, या जब गालियां दे रहे हैं मुझे लगता है उनकी फैमिली नहीं है। तरबियत जिनकी खुद की तरबियत खराब होती है ना वो तरबियत बच्चों की गालियां दे रहे हो यार। और मुझे पता लगा कि भाई सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इतना ट्रोल हो गए तो इनको तो लोग जो नहीं भी जानते थे वो भी जान गए, ये और फेमस हो गए, ये और ज्यादा फेमस हो गए। आप अभी पैदा हुए और इतने फेमस हो गए, मतलब कि लोग आपसे इतना जलते हैं कि उन्होंने आपकी मीम बनाना शुरू कर दी, इतने से होकर डीपीआ भी लगा रहे हैं। ये भी कैसे देख रहा है मैं प्यारा मुन्ना, प्यारा मुन्ना को अल्लाह बचाया नजर से। जब बेटा आप शादी होगी ना, जो आज कर रहे हैं काम, जब आपके बच्चे होंगे सो फिर मुझे ना आके सलूट कर देना। उसमें आप जब फैमिली संभालोगे अपनी साथ साथ बीवी बच्चों को और एक एक जगह पर रहोगे, सलूट करना मेरे को। नहीं तो चलो ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग के अलावा भी जब बच्चा पैदा होता है अगर कोई काम कर रहा होता है तो एक दूसरे को बताते हैं यार इस बच्चे ने आज पहले एक दफा ये काम किया, पहली दफा ये किया, क्यों आप लोग व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगा रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियोस पे लगा रहे होते हैं। अब उनके पास यूट्यूब नहीं है ना, अब देखो हमारे पास है तो हम शेयर कर रहे हैं और हमें इससे फायदा हो रहा है, हमारी व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका चलेगा नहीं। देखो आप भी कर लो, मना नहीं है, बट बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं आप लोगों ने, बच्चों के साथ। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर जो भी मुझे हेट कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ उनको कमेंट में रिप्लाई ना दें, उनको भी हेट ना करें, बट उनको अल्लाह हिदायत दे, बस मैं यही कहूँगा, दैट्स इट। क्योंकि ना लड़ने का फ़ायदा है, ना किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करने का फ़ायदा है, ना किसी को बुरा बोलने का फ़ायदा है, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, दैट्स इट, फाइन, अल्लाह हाफिज़। इतनी गर्मी बैठा था, पसीने पसीने हो गए, अब करते हैं भाई अपना व्लॉग को कंटिन्यू। पापा पढ़ लें कुरान शरीफ, मॉम ने शुरू कर दिया भाई इफ्तारी बनाना। सबसे पहले तो मॉम बेसन ही बना रही होती है। कल वाला पिज्जा, आज इसमें चीज डाल देना, कल चीज डालना भूल गई। ओ भाई दूर हो जाओ प्लीज प्लीज, किसी को देख रहा भाई। आ चुकी है फरी ट्यूशन से और आते साथ खिलाना शुरू बासिल को, अगर रोया तो अच्छी बात नहीं होगी, पहले बता। उंगली निकालो उसके पास, हाँ रो रहा है, बारिश हो रही है दांत के अंदर। डमाडा सिटी बॉय आ गया और तंग कर रहे हैं बासिल को, देखो ना भाई इसी तरह। अब जब बासिल आया तो फिर सब बासिल में ही लगे रहते हैं। आज भी हमारे घर में रूह अफ़ज़ा का शेक बन रहा है, तो मेरे लिए भी कोई जूस वाला शेक बना दो। डबल है ना तो ये आप भी लीजिएगा। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मॉम, जल्दी जल्दी। बस क्या हो रहा है, अच्छी सी प्लेट बनाना, सही है, कम बनाना, ज्यादा भर के नहीं बनाना, क्योंकि इफ्तारी में ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। मतलब बस एक दो पकौड़े, एक समोसा और एक कोई, बस ये अफ्तार में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। आपने जो खाना है खुद निकाल लें, खुद निकालना पड़ेगा। एक तुम आ जाओ, दो तीन दुआ मांगते जल्दी फटाफट से और उसके बाद फिर इफ्तार करते। अबे तूने कुछ निकाला अभी तक? अबे निकाल लूंगा। अबे पूरा ले लेने काम कर यार, ला दे दे बस। वो देखो हाथ मार रहा, देख के टांग वांग मार दी, हाथ मार दी, सब कुछ जूस उड़ कर मुंह के ऊपर, किसी के भी जूस के सामने बिठा दिया। 3-4 मस्जिद है तो अलग अलग टाइम पे अजान देते हैं, मतलब कोई 2 मिनट लेट देता है, कोई 1 मिनट लेट, कोई खजूर खा के, कोई चाट पूरी खा कर। और जब पहले रहते थे आपा, वो तो कितनी लेट देता था, सारी मस्जिदों के बाद खाना हजम करने के बाद देता था। हम बोलते थे यार सारी मस्जिदों ने अजान दे दी है, हमारे करीब वाले की अजान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो यार इस व्लॉग को इधर से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और चंद बातें की हैं वो भी शायद आपको पसंद आई होंगी, नहीं पसंद आई तो पसंद करने की कोशिश करो, और हमेशा अपने अंदर से ना नेगेटिव लोगों को निकालो बाहर, नेगेटिविटी निकालो बाहर और पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, और पॉजिटिव लोगों को लाओ अपने अंदर, तो जल्द कामयाब हो जाओगे और पीस रहो, पीस रहेगा हर तरफ और सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। जिस तरह मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जितने भी नेगेटिव लोग आते हैं ना ज़िंदगी में, लाइफ के, वो उसको मैं उठा के फेंकता हूँ बाहर, समझ रहे हो। एक कामयाब शख्स की अगर कामयाबी पूछोगे ना उससे आप, तो वो यही बोलेगा कि यार नेगेटिव लोगों से काफ़ी दूर रहता हूँ।
तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ पर अमल करेंगे और साथ देंगे भाई का, जैसे कि हमेशा देते हुए आए हैं। दूसरा ये कि जिनको लगता होगा कि यार अगर ये नेगेटिव चीज़ों से मैं अपने व्लॉग छोड़ दूंगा, तो ऐसा नामुमकिन है, कभी भी आपका भाई व्लॉग नहीं छोड़ के जाने वाला और आपके साथ ही रहने वाला है। तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बाकी के कंटेंट आते रहेंगे, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा है, सही है ना, मैं भी डेली हूँ तो वो भी डेली होगा। बाय।